हमीरपुर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुँचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर हमीरपुर जनपद से, जहां विधानसभा क्षेत्र राठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर राठ वासियों ने जोरदार स्वागत किया है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राठ विधानसभा 229 सीट से भाजपा प्रत्याशी मनीषा अनुरागी के समर्थन में जनता से वोट मांगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राठ विधानसभा से स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय क्रीड़ा स्थल पहुंचकर सर्वप्रथम स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि स्थल पर माथा टेका और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात मंच पर पहुंचकर राठ वासियों को अपने संबोधन में सपा व बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कोई सपा व बसपा की सरकार नहीं है, यहाँ की एकमात्र सरकार जो पूरी ईमानदारी से काम करती है। जनता की मांग के अनुसार यदि यहाँ कोई विश्वविद्यालय बनाने के लिए जमीन देंगे तो ये हमारे लिए बहुत हल्का सा बोझ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा, 5 साल पहले हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, जहां माफियाओं का राज्य था, लेकिन यह जो बुलडोजर खड़ा है, यह बुलडोजर माफियाओं की छाती पर चढ़ने का प्रतीक है। पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड के हर जिले में तमंचा बनाने का काम किया था, लेकिन हमारी सरकार ने लड़ाकू विमान बनाने का काम किया है और हमारी भाजपा सरकार ने 41,400 किसानों का कर्ज माफ किया है। वही प्रांगण में हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। 5 वर्षों में हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और बिना भय और आतंक के स्कूल जा सकती है। 5 साल पहले माफिया और भू माफिया हावी थे और आज हमें आपकी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई सपा बसपा की सरकार नहीं कि कोई लेन देन हो, यहाँ पे तो पूरी पारदर्शी योजनाएं हैं। और दूसरा बाबा पाटलेश्वर के चरणों में नमन करते हुए सुमेरपुर स्थित तपोभूमि मंदिर, स्वामी रोटीराम महाराज की समाधि और अभी मुझे यहाँ तीर्थ भूमि है, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से भरपूर प्रकृति और परमात्मा से सीम कृपा की भूमि है। चाहते हैं तो उनको पूरी प्रॉपर्टी सरकार को देनी होगी, सरकार इस कार्रवाई को आगे करेगी, हमें तो प्रसन्नता होगी। अगर पब्लिक हमें संपत्ति दे और सरकार वहां पे विश्वविद्यालय बनाए तो सरकार का भार कम हो जाता है, इसमें भी हमें प्रसन्नता होगी। आप लोग तय करें जिसमें भी यहां का प्रकल्पों का एक पहला साम्राज्य यहां पर संचालित होता है। लेकिन 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में आपसे जो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने उतर के अयो बहनों, 10 वर्षों से लंबी थी अर्जुन सहायक परियोजना। अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है ना। हमीरपुर, महोबा, थाना, चित्रकूट, मणिपुर, ये 5 जनपद इसे सीधे सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आप सबसे सही फ्रेम में बात करने के लिए, आपके दिल की बात करने के लिए, और इसलिए आया हूं। जब मैं यहां पर आया हूं आज सुबह में पहले स्वगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के पावन जन्मस्थली शीर गोवर्धन में आया है। हमने बुंदेलखंड के विकास में समग्र योजना को आगे बढ़ाया है। जिस बुंदेलखंड के बारे में लोग कहते थे कि बुंदेलखंड में पानी नहीं, आज हम हर घर नल की योजना लेकर के बुंदेलखंड में आ गए हैं। हर गांव में घर घर स्कीम बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है। राज में आया हो और श्रीमती मनीषा कुमार जी को फिर से विधायक बनाने की टीम करने के लिए भी आया हो। मुझे अभी यहां बताया गया कि यहां
पे स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम पर जो महाविद्यालय है ये लोग विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारे पास दोनों प्रकार की स्कीम है।